हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है खुशबू और हिंग कोच में हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू और बहुत ही आसानी से। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पर आपको कुछ सिंपल इंग्लिश वर्ड्स दिखाए जाएंगे। आप उन वर्ड्स को बोलकर देखें, प्रोनाउंस करके देखें, उनका उच्चारण करें और फिर वीडियो में वापस आए। देखते हैं कि आप इनमें से कितने शब्दों का प्रोनंसिएशन ठीक से करते हैं, क्योंकि इनमें से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम इंडियंस थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस कर देते हैं। गो एंड सी दोज वर्ड्स एंड कम बैक टू द वीडियो एंड वी विल स्टार्ट आवर लेसन। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है मोस्ट कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड बाय इंडियंस, और वो शब्द है BOWL। क्या बोलते हैं हम इसको? आप क्या बोलते हैं? बाउल। आपके घर में भी ऐसे ही बोलते होंगे। हिंदी में क्या मीनिंग होता है? कटोरी। लेकिन इसका इंग्लिश में प्रोनंसिएशन बाउल नहीं होगा दोस्तों, प्रोनंसिएशन है बोल। क्या कहना है आपको? बोल। ओके, ओ से ही रिलेटेड एक और वर्ड है जो बहुत मिसप्रोनाउंस होता है, और वो शब्द है कूपन, COUPON। कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको कहीं कुछ खरीदारी करते टाइम थोड़ा सा बेनिफिट हो, उसे हम बोलते हैं कूपन। हम इंडियंस उसको बोलते हैं कूपन, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। जस्ट सी हियर, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कूपन या फिर क्यूपन। ओके, अगर स्कूल कॉलेज की दुनिया से बाहर निकल चुके हैं तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आपकी तरफ फायर किया जाता होगा वो ये है कि बेटा कैरियर कैसा चल रहा है, या कैरियर में क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब पूछा जाता है ना। लेकिन ये जो वर्ड है ना कैरियर, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। वर्ड होता है CARER, जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है करियर, कैरियर नहीं करियर। अब ये करियर बनाने के लिए बहुत सारे लोग इंजीनियर बनते हैं ना। इंजीनियर एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। इस शब्द को प्रोनाउंस करेंगे इंजीनियर। क्या बोलेंगे? इंजीनियर। इंजीनियर नहीं बोलना है, इंजीनियर। ओके, स्ट्रेस थोड़ा लास्ट में, नियर, इंजीनियर। ओके, अब पढ़ाई लिखाई और करियर की बातें हो रही हैं तो एक वर्ड जो है हम मिस नहीं कर सकते, वो वर्ड क्या है? ट्यूशन। थोड़ा सा सुनने में अलग लग रहा है ना आपको, क्योंकि ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। हम लोग गलत बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? ट्यूशन, TUITION। इसका प्रोनाउंसिएशन हम ट्यूशन बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ट्यूशन नहीं होता है। इसमें ये जो TUI के बाद वाला आई होता है ना, यू के बाद वाला, इसको ज़रूर प्रोनाउंस करें। हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसलिए हम ट्यूशन बोल देते हैं। आपको क्या बोलना चाहिए? ट्यूशन या फिर ट्यूशन। ये ई का साउंड आना इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए पढ़ाई की ही बातों में एक और शब्द जो यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा जब आप जॉब करने जाते हैं, और वो वर्ड है रिज्यूम। कुछ गलत लगा ना? रिज्यूम नहीं होता है दोस्तों, रेज्यूमे। ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है, ये किसी फॉरेन लैंग्वेज से लिया गया है, लेकिन इसको एज इट इज़ ले लिया गया है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हटके होता है। इसकी स्पेलिंग तो रिज्यूम वाली ही है, लेकिन इसका प्रोनंसिएशन रेज्यूमे। रेज्यूमे क्या होता है? आपका बायोडेटा, जब आप जॉब करने जाते हैं तो अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ना, उनको पीस ऑफ पेपर पर देते हैं, वो पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड रेज्यूमे। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन। एक और वर्ड जो इंडियंस बहुत ही ज़्यादा गलत प्रोनाउंस करते हैं वो है वेंसडे। वेंसडे ये एक हफ्ते का दिन है, बुधवार इसका मीनिंग होता है हिंदी में। हम क्या बोल देते हैं? वेडनेसडे। हम ये जो डी होता है ना इसके अंदर, इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये नहीं करना है प्रोनाउंस। आपको क्या बोलना है? वेंसडे। डी को भूल जाइए, उसको साइलेंट रहने दीजिए, वेंसडे। ओके दोस्तों, दिन की सबसे इंपॉर्टेंट मील कौन सी होती है? नाश्ता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। ब्रेक फास्ट नहीं बोलना है आपको, बोलना है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट। जितना इम्पॉर्टेंट ये मील है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वर्ड को भी सही से प्रोनाउंस करें। तो आप क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट।
तो ये थी प्रोनाउंसिएशन की कुछ छोटी मोटी गलतियाँ जो हम इंडियंस कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं। अगर आप इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स को गलत बोलते थे तो इस वीडियो लेसन के बाद ये गलती आप नहीं करेंगे। आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर करें उन लोगों के साथ जो इन वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे बहुत सारे वीडियो लेसन्स हैं, उन्हें ज़रूर देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।